यम और पितरों के ऋग्वेद मंत्र। यह सूक्त अंत्येष्टि संस्कार विषयक है। इसमें प्रेत से कहा गया है कि तू किन किन को प्राप्त हो, जैसा कि मंत्रों को देखने से पाठकों को स्वयं स्पष्ट हो जाएगा। इस सूक्त का ऋषि विवस्वान की दुहिता यमी है। प्रियमाण यजमान आदियों का वर्तन इसमें प्रतिपादित किया जाएगा, अतः वे इस सूक्त के देवता हैं। सोमः एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते येभ्यो मधु प्रधावति सांशित देवापि गक्षतात्। जिनके लिए सोमरस बहता रहता है वह जो आज्य का उपभोग करते रहते हैं तथा जिनके लिए मधु की कुल्याएँ बहती रहती हैं, ऐसे यज्ञकर्ताओं को हे प्रेत आप प्राप्त हों। सव दहन आदि अंत्येष्टि क्रिया प्रेत की आत्मा के प्रति इस सूक्त की ऋचाओं के अनुसार उसके संबंधी आदियों का कथन है। जो लोग प्रेत तप के कारण किसी भी प्रकार पराभूत नहीं हो सकते, वह जो तप ही के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं तथा जिन्होंने महान तप किया है उनको तू यहाँ से जाकर प्राप्त हो। प्रथम मंत्र में यज्ञ आदि कर्म कांड का महात्म दर्शा कर प्रेत को सत्कर्म करने वालों में जाने को कहा है। इस मंत्र में तपा प्रभाव दिखलाकर तपस्वियों में जाने का निर्देश किया गया है। जो सूर वीर गण युद्धों में अपने प्राण देकर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, वह जो लोक नाना तरह के दोनों को देकर अपने को संसार में अमर कर गए हैं, ऐसे लोगों को हे मृतात्मा तू प्राप्त हो, तेरे लिए सदगति हो। इस मंत्र से यह स्पष्ट होता है कि दानी व सूरवीर गण भी मृत्यु के पश्चात सदगति को प्राप्त करते हैं। गीता में हतो वा प्राप्यसेति स्वर्ग आदि युद्ध में मरने से सदगति होती है, ऐसे द्योतक वाक्यों को यह वेद मंत्र पुष्टि करता है। सूर वीरता से युद्ध में शरीर त्याग करने वाले को परलोक में सुख मिलता है, यह आर्य लोगों का बड़ा पुराना दृढ़ विश्वास चला आता है। उस विश्वास के मूलभूत ऐसे वेद मंत्र ही हैं। जो पितर सत्य के रक्षक हैं, यज्ञ आदि नित्य नियम से करने वाले हैं तथा तपस्वी हैं, ऐसे पुत्रों को हे मृतात्मा तू परलोक में जाकर प्राप्त हो। जो क्रांतदर्शी ऋषिगण नाना प्रकार के विज्ञानों से परिपूर्ण हैं, वह जो तपस्वी तथा तप से उत्पन्न हुए हैं, ऐसों को हे प्रेतात्मा तू इस लोक से जाकर प्राप्त हो। उनमें जाकर तू स्थित हो, निकृष्ट हो मत जा। इस सूक्त के मंत्रों पर दृष्टिपात करने से साधारणतया हमें पता चलता है कि इस संसार में रहकर कैसे अर्थात किस प्रकार के कर्मों को करने से मृत्यु के अनंतर उत्तम गति, उत्तम लोक व उत्तम स्थान स्वर्ग प्राप्त होता है। इस सूक्त में 5 मंत्र हैं। 5 मंत्रों में भिन्न भिन्न कर्म करने वाले लोगों को गिनाया गया है और प्रेतात्माओं से कहा गया है कि इनको तू इस लोक से जाकर प्राप्त कर, अर्थात इन 5 प्रकार के जनों में से ही किसी को तू जाकर प्राप्त हो, इनसे हीन पितरों को प्राप्त मत हो। ये 5 प्रकार के इस लोक के नहीं अपित परलोक के हैं, ऐसा मंत्रों से पता चलता है। अतः तान चित अपगक्षतात् का अर्थ यह नहीं किया जा सकता कि इन 5 प्रकार के लोक में स्थित जनों में जाकर तू पुनर्जन्म के सदगति को प्राप्ति के लिए इस सूक्ति यज्ञ आदि तप करना अर्थात लड़ाई में पराक्रम के साथ शरीर त्याग करना, नाना विध दान करना, सत्य आचरण साधन बताए गए हैं। यह संपूर्ण अथर्ववेद कांड 18 सूक्त के मंत्र में 14-18 में ऐसा का ऐसा है। यज्ञ करने से सदगति उत्तम लोक प्राप्त होता है, तप करने से पराभव नहीं होता वह तपस्वी को स्वर्ग मिलता है। जो संग्राम में युद्ध कर शरीर छोड़ते हैं उन्हें भी स्वर्ग उपलब्ध होता है। जो अत्यंत दानी हैं वे भी स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तपस्वी सत्य रक्षक उत्तम गति का लाभ करते हैं। हजारों प्रकार की नीतियों वाले वा सूर्य रक्षक ऋषिगण स्वर्ग को प्राप्त करते हैं।
इस प्रकरण का आदि से अंत तक निरीक्षण करने से पता चलता है कि पांच पितृ लोक हैं, जिनमें के पितर रहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, पिता का कुलवार, पितरों का देश अर्थात जिस देश में प्राचीन काल से हमारे पूर्व पितर रहते हैं, चले आए हैं, वह देश। इन सब लोकों में हमारे पितर निवास करते हैं, ऐसा इस प्रकरण से स्पष्ट होता है। पितर जिस मार्ग से जाते हैं उस मार्ग का नाम पितृयान है। इस मार्ग को एक तो अग्नि जानता है और दूसरा वह मनुष्य जो कि अतिथि आदि के सत्कार में सर्वदा तत्पर रहता है। जो मनुष्य देव हिंसक है वह कभी भी पितृयान मार्ग को प्राप्त नहीं करता। यह पितृयान मार्ग सूर्य किरणें भी हैं, ऐसा ऋग्वेद से पता चलता है। अर्थात अंतरिक्ष व द्युलोक में रहने वाले पितर इस मार्ग से जाते हैं, ऐसा इससे जान पड़ता है। ऊपर जो पांच पितृलोक दर्शाए गए हैं उनमें से इन दो अंतरिक्ष द्युलोक में जाने का मार्ग सूर्य किरणें होनी चाहिए। हमने ऊपर देखा है कि अग्नि भी पितृयान मार्ग को जानती है। हम आगे चलकर यह भी देखेंगे कि अग्नि सर्व प्रकार के पितरों को, चाहे वे हमारे सामने हों व अदृश्य हों, किसी भी रूप में कहीं भी हों, हम अदृश्य को भी देख सकते हैं। इसका अभिप्राय प्रतीत होता है कि पृथ्वी से अंतरिक्ष व द्युलोक पितरों के पास जाने का जो पितृयान मार्ग है, वह पृथ्वी की हद तक जो अग्नि आने का मार्ग है, और आगे जो सूर्य किरणों के जाने का मार्ग है, वह है। पितरों के अनेक कार्य हैं, जिनमें से मुख्य कार्य ये हैं: पितर और यज्ञ। बुलाने पर पितर यज्ञ में आते हैं और दायां घुटना टेक कर बैठते हैं। वे हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमारी कामनाएं पूर्ण करते हैं, वह सर्वदा हमारी रक्षा करते हैं। पितरों के लिए मासिक यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ में अग्नि स्वतः पितर भी आते हैं। स्वधा के साथ हवि का भक्षण करके हमें वीरता युक्त धन आदि देते हैं, क्योंकि इनमें पितरों के लिए वपा व मांस वाले चरु देने का विधान पाया जाता है। तथापि इस प्रकरण से इतना पता अवश्यमेव लगता है कि सब प्रकार के पितरों के लिए यज्ञ करना चाहिए व उनको हवि से तृप्त करना चाहिए। इसके सिवाय प्रत्येक मास में पितरों के लिए दान करना चाहिए। जैसा कि पता चलता है, इस प्रकरण को देखने से हमें निम्न बातों का स्पष्ट पता चलता है: अग्नि यज्ञ में पितरों को हवि भक्षणात्र ले आती है, अग्नि पितरों को हवि पहुंचाती है, और अतः एवं अग्नि का नाम हवख्यान भी है। पितरों के निमित्त से दी गई हवि कव्य कहलाती है। अग्नि दूरगत छिपे हुए पितरों को जानती है। इतना ही नहीं, अपित जो यहाँ हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिनको हम जानते हैं वह नहीं जानते, उन सबको अग्नि जानती है। अग्नि पितरों को पितृलोक में भिजवाती है। अग्नि प्रेतात्माओं को पितरों के पास पहुँचाती है। अग्नि ऊषा देती है, जीवितों की आयु बढ़ती है और मरे हुए पितरों में लोक में जाते हैं। अग्नि पितरों में प्रविष्ट ज्ञाति मुख दस्युओं को यज्ञ से भगाती है। अग्नि अपने शरीर से पितरों में प्रवेश करती हैं। अग्नि स्वतः पितर व पितर जिनका अंत्येष्टि संस्कार अग्नि द्वारा किया जाता है, हमें सतपथ ब्राह्मण पता चलता है। इसी बात को यजुर्वेद में पुष्ट करते हैं। अग्नि स्वतः पितरों के यज्ञ में बुलाया जाता है, हवि खिलाई जाती है, उनसे धन मांगा जाता है। अग्नि स्वतः पितर यज्ञ में आकर स्वधा से तृप्त होते हैं व उपदेश करते हैं। उनकी यज्ञ में सोमपान करने के लिए बुलाया जाता है। इस प्रकार हमें निम्न बातें मिलती हैं: मरने से पूर्व मरणासन्न के दाएं हाथ में सुवर्ण का आभूषण, अंगूठी आदि कुछ पहनाया जाता है। प्राण निकलने पर सबको जल स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद शमशान उचित वस्त्र पहनाया जाता है। स्नान के बाद शमशान प्राम में और ग्राम में बाहर होना चाहिए। सबको बैलगाड़ी से ले जाया जाता है।
शमशान भूमि से विघ्नकारियों को दूर भगाना चाहिए। प्रेत को जलाया जाता है, प्रेत को जल में बहाया जाता है, प्रेत को जमीन में गाड़ा जाता है, हवा में खुला छोड़ दिया जाता है। अंत्येष्टि की समाप्ति पर प्रार्थनाएं की जाती हैं।